अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम 14, 24, 54, 11 और 94, 108 के पेपर के हवाले से। ठीक है, तो जैसे कि आपको अंडरलाइन नज़र आ रहा होगा कि क्वेश्चन पेपर इस वक्त आपके सामने है, ये 14, 24, 54, 11 और 94, 108 तीनों मतलब कोर्स के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया गया, और ये लास्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है स्प्रिंग 2021 का। ठीक है, बीए वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पासिंग मार्क्स 40 होते हैं, और जो एडी और बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके पासिंग मार्क्स 50 होते हैं। ठीक है, तो 14-24 का जो पेपर है आपका, या फिर 9408 का बीएस वालों के लिए और 5411 एडी वालों के लिए, इसको पास करने का बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। और वो तरीकाकार ये है कि एक चीज़ को आपने मास्टर करना है, ठीक है, बल्कि दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ लिखनी आती होगी तो आपको दूसरी चीज़ भी लिखनी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वो दो चीज़ें जो कि आपको मास्टर करनी है इस पेपर को पास करने के लिए, वो नंबर वन पे है पैराग्राफ राइटिंग और नंबर टू पे है एसे राइटिंग। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग पे मैंने वीडियो बनाई है और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक देखें, पैराग्राफ राइटिंग का लिंक मौजूद है, उसको आप देखें तो आपको पता चलेगा कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, उसकी कितनी लेंथ होती है और उसके अंदर मतलब के कौन कौन से अनासिर हैं जो कि एक पैराग्राफ को एक अच्छा पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर देखें क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट एन एसे, और जो एसे है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का है और वो है अ विजिट टू अ संडे बाजार। अब आपने फोकस करना होता है हमेशा ये जो वर्ड्स आते हैं कि किस टाइप का आपने एसे लिखा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है तो उसको आपने डिस्क्रिप्टिव नेचर यानी कि डिस्क्राइब करना है, जो आपका विजिट था संडे बाजार का, वहाँ पे जो आपने चीज़ें देखी हैं उनको आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देनी है कि कैसे स्टॉल लगे हुए थे, कि कितने कितने सेक्शन थे, जूतों वाले सेक्शन में कितनी वैरायटी थी, फ्रूट्स वाला वेजिटेबल वाला सेक्शन है उसमें मतलब कि कितनी ज़्यादा चीज़ें थी, तो ये सारा डिस्क्रिप्टिव नेचर का आपका होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। अब इसको हम कहते हैं कम्प्रीहेंशन का पैसेज है, कम्प्रीहेंशन का पैसेज जो है उसके हवाले से आपको पैराग्राफ लिखना और पैराग्राफ को समझना आना चाहिए कि पैराग्राफ को मतलब कि कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस पर मैंने वीडियो बनाई है कि पैराग्राफ का टॉपिक और एक पैराग्राफ का मेन आइडिया और उसकी सपोर्टिंग डिटेल जो है कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखें तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई के एक भी मतलब जो भी पैराग्राफ होता है उसका टॉपिक और उसका टॉपिक सेंटेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जब एक दफ़ा टॉपिक सेंटेंस हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद फिर पूरे पैराग्राफ की समरी जो है या फिर बाकी चीज़ें जो है वो आपके लिए ईजी हो जाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे अगर आप आएँ तो इट इज़ हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ फिश, राइट अ पैराग्राफ ऑन फिश यूजिंग टेक्निक्स ऑफ क्लासिफिकेशन एज गिवन इन योर कोर्स बुक। अब इस वर्ड पे आपने फोकस करना है, क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, और हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ फिश, ठीक है, फिश पे लिखना है और फिश की आपने क्लासिफिकेशन देनी है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अकसाम। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना साथ के, आपने किस नेचर का लिखना है इस पे आपने फोकस करना है। जब फिश का आपको पता है कि सिंगुलर भी फिश होता है, प्लूरल भी फिश होता है। ठीक है, तो अब हमने चूंकि क्लासिफिकेशन का ऐसे लिखना है तो ये है कि हमने इसको अकसाम के अंदर तकसीम करना है। ठीक है, तो जो भी उसकी अकसाम है उसके हवाले से फिर आप पैसेज लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्शन है लेकिन बहरहाल ये रेयर ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आ जाएं तो एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन वाइल यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अब ये अगेन आपने मजमून लिखना है। ठीक है, और ये आपने जो मजमून लिखना है कॉज एंड इफेक्ट नेचर का लिखना है। ठीक है, तो अब अगर आप पेपर का बगौर जायजा लें तो पहले जो आपके 5 क्वेश्चन हैं उसमें से 3 क्वेश्चन पैराग्राफ और ऐसे पे आ चुके हैं। ठीक है, कि मतलब कि अगर आपको ऐसे लिखना आता है, मजमून का बुनियादी ढांचा लिखना आता है, तो फिर आपका आपके लिए इस पेपर को पास करना कोई मसला नहीं है। अब आप 6ठा क्वेश्चन देखें तो ये अगेन इट इज़ एन ऐसे, दोबारा मजमून लिखना है, राइट एन ऐसे ऑन लाइफ ऑफ अ लेडी हेल्थ वर्कर इन कोरोना टाइम्स यूजिंग दी ट्रांजिशन वर्ड्स एंड सीक्वेंस मार्कर्स। ठीक है, तो इसमें अगेन ऐसे राइटिंग है और ये
जनरल ऐसे है, ठीक है, जनरल ऐसे है, उसमें हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस जिसमें एंड, बट, बिकॉज, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, सीक्वेंस मार्कर्स होते हैं, आफ्टर दैट, बिफोर दैट, मीन वाइल, ठीक है। तो ये सीक्वेंस मार्कर्स जो हैं इनका आपने इस्तेमाल करना है। तो लेकिन लिखना मजमून ही है। अब आप देखें कि चार क्वेश्चन जो हैं आपके वो ऐसे से रिलेटेड हो गए हैं, मजमून से रिलेटेड हो गए हैं। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 इसका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच इज योर फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड एंड वाई। योर आंसर मस्ट इंक्लूड द टेक्निक्स ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। अगेन, अब आपने पांचवा क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे से रिलेटेड है, और ये ऐसे की कौन सी टाइप है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे जो है इस दफा आपने लिखना है, ठीक है। फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड जो आपका है उसको, मतलब कि बाकी क्रिकेट ग्राउंड जो है उनके साथ आपने उसका कंपेरिजन करना है। तो अब आप देखें कि 7 out of 7, देर आर 5 questions दैट आर लिंक्ड विद एसे राइटिंग। तो अगर आपको एसे राइटिंग आती है, अगर आप एसे राइटिंग सीख लेते हैं और उसके साथ आप पैराग्राफ राइटिंग सीख लेते हैं, तो फिर 14-24 का पेपर पास करना, या 9408 जिसे हम इंग्लिश 2 कहते हैं, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट इज़ वेरी इजी। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज ऑफ्टन रिपीटेड, ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड विद राइट डाउन बोथ द कॉनोटेटिव एंड द डेनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने कॉनोटेटिव मीनिंग्स और डेनोटेटिव मीनिंग्स। अब ठीक है, ये इजी से वर्ड हैं, इनके मतलब कॉनोटेटिव डेनोटेटिव मीनिंग अगर आपने किताब को पढ़ा है अच्छे तरीके से, या अगर आपने टीचर्स के लेक्चर इस पे सुन रखे हैं, ठीक है, तो फिर आपको पता होगा कि कॉनोटेटिव डेनोटेटिव मीनिंग होता क्या है, और आप इसके मीनिंग्स बड़े इजीली लिख सकेंगे, ठीक है। तो अब आपको सारे झंझट में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको सेंटेंस करेक्शन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉनोटेटिव डेनोटेटिव मीनिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इवन कम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे राइटिंग आती है तो आप ये वाला पेपर बड़े ईजीली पास कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 8 में से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। जो यूजली अब पेपर BS के स्टूडेंट्स के लिए आता है, वो होता है कि आपको 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। वो जो नेक्स्ट पेपर है हमारे पास, उसमें हम वो एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड पेपर है हमारे पास, और ये पेपर स्पेशली डिज़ाइन किया गया है BS और AD के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। 9408/5411 इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये भी जो आपका लास्ट सेमेस्टर था, स्प्रिंग 2021, ये उसमें आया था, ठीक है। तो अगेन, आप इसका पहला क्वेश्चन आप देखें तो क्या है, यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग स्टडीड इन यूनिट 1, 2 एंड 3। ये 1, 2, 3 तीनों यूनिट्स जो हैं ये ऐसे राइटिंग पे बेस करते हैं, ठीक है। तो राइट एन ऐसे ऑन स्पोर्ट्स एंड हेल्थ, ठीक है, अगेन ऐसे आ गया। और ऐसे आपने कौन सा लिखना है, वाइल राइटिंग योर ऐसे फोकस ऑन प्रॉपरली यूजिंग क्लासिफिकेशन एंड सीक्वेंस मार्कर, ठीक है। अगेन वही कि हर एक मजमून के साथ एक टेक्निक जो है स्पेसिफाई कर दी जाती है कि इस टेक्निक को मद्देनजर रखते हुए। अब स्पोर्ट्स और हेल्थ, स्पोर्ट्स की तो क्लासिफिकेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडोर और आउटडोर में चले जाते हैं, ठीक है, और फिर स्पोर्ट्स का हेल्थ के साथ तो क्या ताल्लुक है, हर गेम जो है उसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स होते हैं हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो इस पे बड़ा अच्छा मजमून लिखा जा सकता है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम प्रॉब्लम फेस बाय कॉमन मैन कॉज बाय द स्मार्ट लॉकडाउन यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अब अगेन मजमून लिखना है आपने, ठीक है, और ये मजमून कौन सा है, कॉज एंड इफेक्ट मजमून है, ठीक है। तो आप देखते जाएं कि इफ यू नो द ऐसे राइटिंग, अगर आपको ऐसे राइटिंग आती है तो आप इस पेपर को कितना इजीली हैंडल कर सकते हैं, और ये सारे सवाल 20-20 नंबर के हैं, ठीक है। नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्शनरी मीनिंग, यानी कि डेनोटेटिव कॉनोटेटिव मीनिंग वाला दोबारा क्वेश्चन आ गया। इस दफ़ा आपने एक्सप्लेन करना है कि इनके कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव जो मीनिंग्स होते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, कीपिंग इन माइंड द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, कमेंट ऑन लाइफ इन कोरोना टाइम्स, ठीक है। अब आप देखें तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जो कि मजमून की टाइप का हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अब आपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देना है, यानी कि ये पर्सनल ऐसे है, ठीक है,
और आपने अपना पर्सपेक्टिव, अपने पर्सपेक्टिव में मतलब कि ये नैरेटिव सॉर्ट ऑफ आ जाएगा ऐसे आपका, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन अब आप देखें, चार में से जो है वो दे आर कंसर्न विद एसे राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग। क्वेश्चन नंबर फाइव आप देखें तो अभी ये चौथा सवाल है जो कि एसे राइटिंग पे है, ठीक है। राइट एन एसे ऑन अ डे इन द लाइफ ऑफ अ मेडिकल नर्स इन कोरोना टाइम्स यूजिंग ट्रांजिशन वर्ड्स एंड सीक्वेंस मार्कर। अब ये आपने आम ऐसे लिखना है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, लेकिन उसमें आपने ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करने हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। जो मैं नीचे आपको वीडियो का लिंक दूंगा पैराग्राफ राइटिंग का, तो उसमें आपके ट्रांजिशन वर्ड्स पे कंप्लीट डिस्कशन मौजूद है, और उसके अंदर सीक्वेंस मार्कर जो होते हैं वो भी ट्रांजिशन वर्ड्स के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। तो विच इज़ योर फेवरेट बास्केटबॉल टीम एंड वाई? योर आंसर मस्ट इंक्लूड द टेक्निक ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। अब अगेन ये पांचवा क्वेश्चन आ गया मजमून पे कि आपने फेवरेट बास्केटबॉल टीम के ऊपर मजमून लिखना है, लेकिन आपने उसका कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करना है किसी और टीम के साथ। अब आप देखें कि प्रीवियस पेपर जो हमने डिस्कस किया उसमें भी कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का भी ऐसे आया, उसमें क्लासिफिकेशन का भी आया, उसमें जनरल डिस्क्रिप्टिव ऐसे आया जिसमें आपने ट्रांजिशन वर्ड यूज करने थे, सीक्वेंस मार्कर्स यूज करने थे, ठीक है, और उसमें कॉज एंड इफेक्ट आया। इसमें भी इस पेपर में भी वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सातवां क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है अगेन कॉनोटेटिव डेनोटेटिव मीनिंग। अब आप देखें कि ये दो पेपर्स में तीसरी दफा ये सवाल रिपीट हो रहा है कॉनोटेटिव डेनोटेटिव मीनिंग का, तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन पे आपने फोकस करना है, इस क्वेश्चन पे आपने अहमियत इसको देनी है। एक तो आपने उसकी जनरल डिस्क्रिप्शन भी याद करनी है कि ये होता क्या है कॉनोटेटिव डेनोटेटिव, ठीक है। उसके बाद ये कि आपको वर्ड्स का कॉनोटेटिव डेनोटेटिव मीनिंग्स निकालना आना चाहिए। जैसे डंकी है तो इसका डेनोटेटिव मीनिंग जो है वो तो जाहिर है एन एनिमल विद फोर लेग्स, और अगर हम इसके कॉनोटेटिव मीनिंग में मतलब चले जाएं तो इट मींस कि समवन हु इज कंसीडर्ड टू बी अ डून्स और स्टूपिड इंडिविजुअल, ठीक है, उसको हम मतलब डंकी कहते हैं, ठीक है। आ जाएं आठवें क्वेश्चन पे, व्हाट आर योर स्पेसिफिक रीडिंग हैबिट्स? हाउ वुड यू सजेस्ट अबाउट इंप्रूविंग रीडिंग एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर? अब ये रीडिंग के हवाले से, रीडिंग हैबिट्स स्किमिंग स्कैनिंग होती हैं, ठीक है, ये आपने इंग्लिश वन में भी पढ़ा था और इंग्लिश टू के अंदर अगेन ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप फोकस उस बात पे करें जो कि मैंने आपको बताई है, एसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। एंड इफ़ यू नो दीज टू थिंग्स यू कैन ईजिली अटेम्प्ट एंड यू कैन ईजिली क्वालिफाई दिस पेपर, ओके। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दैट इट विल प्रूव हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।